There is, in fact, a high-level inquiry which is taking place. Meanwhile, the Delhi Police special cell has, in fact, arrived at the residence of Neelam Azad in Haryana's Jind to interrogate her family members. Neelam, of course, is one of the accused who was involved in the Parliament security breach case. She has been booked under various sections of the Indian Penal Code and the Unlawful Activities Prevention Act and is a resident of Ghaso village in Jind. The team has reached Uchana with SHO Balwant Singh and the women personnel of the police. Family members of Neelam are in fact being interrogated and her room is also being searched. The Patiala House Court has in fact issued a notice to the special cell of Delhi Police on an application moved by Neelam's parents seeking a copy of the FIR registered under various sections of the IPC and the UAPA. With us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, over to you. What details can you give our viewers as far as the probe is concerned? We are getting to know that the Delhi Police special team has reached the residence of one of the accused, Neelam Azad. Delhi Police ki special cell जो है ये छह आरोपियों के तमाम जो जिनके जो रेसिडेंस हैं जो जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके नेबर्स उनके करीबियों से उनके माँ बाप से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जो है वो जिंद पहुंची है, जिंद में जहाँ पे नीलम का घर है वहां पर उनके घर पर पहुंच कर नीलम के माता पिता और उसके आसपास के जो करीबी हैं उनसे पूछताछ की गई। उनके बारे में नीलम को लेकर एक करीब पूछताछ की गई, नीलम के घर की तलाशी ली गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम सागर शर्मा के घर भी पहुंची थी, लखनऊ बताया जा रहा है, जहां पर सागर शर्मा से जुड़े तमाम चीजों से लेकर पूछताछ की गई और जहां से सागर ने जूता खरीदा था वहां पर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पूछताछ की गई थी। नीलम के कमरे को अच्छे से सर्च किया गया और नीलम के जो करीबी है वहां पर उनसे पूछताछ की गई है, नीलम के मूवमेंट को लेकर, नीलम को, नीलम के एक्टिविटी को लेकर कि क्या इस तरह की चीजें, क्या वहां के आसपास के लोग भी नीलम से जुड़े हुए थे या नीलम के करीब थे, उनको इस तरह की पूरी चीजें पता थी। क्योंकि इस पूरे मामले में संसद सुरक्षा चूक मामले में अब तक छह लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिसमें नीलम, अनमोल शिंदे, सागर, मनोज रेड्डी, ललित झा, महेश, ये सब शामिल हैं। वहीं अब दिल्ली पुलिस की एक टीम फोन्स को लेकर जो ललित झा जिसमें महेश ने उसको सपोर्ट किया था राजस्थान में कुछ जगहों पर छुपने के लिए, उसके बाद में वो लोग एक होटल में रुके थे और जो जानकारी के मुताबिक फोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस रिवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि अब फोन को रिकवर किया जा सके, उसके डाटा को रिकवर कर सके, किया जा सके। और उस फोन को लेकर दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो बेहद अहम हो गई है और बहुत तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो इससे जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो टीमें बनी हैं तमाम आरोपियों को लेकर वो एक पूरी जो एक नेक्सस है इनके पूरे एक चेन को दिल्ली पुलिस रूट मैप की तरह समझना चाह रही है। क्योंकि गुरुग्राम में ये मीटिंग हुई थी, गुरुग्राम के मीटिंग में जो महेश है जो कि छठा आरोपी है वो भी गिरफ्तार हुआ है 14 तारीख को, माफ कीजिएगा 15 दिसंबर को। तो ऐसे में उसने पूरे मीटिंग में शामिल था और भगत सिंह नाम के जिस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखा था उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सिग्नल ऐप के जरिए लोग लगातार बात कर रहे थे और एकदम सडनली 13 दिसंबर को ये प्लान नहीं हुआ है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चली आ रही है जिसको लेकर पूरा एक जो नेक्सस एक रूट है जो जिस तरह से पार्लियामेंट में सुरक्षा में चूक हुई है, सागर और मनोज रेड्डी पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्मोक एक्सप्रेस से पूरी तरीके से वहां पे हंगामा किया, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी जो है मानी जा रही है कि सुरक्षा में चूक है। हालांकि नीलम और अमोल शिंदे को भी अंदर जाना था लेकिन इन लोगों को पास इशू नहीं आया हुआ। तो दिल्ली पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि इसके पीछे जो मेन मोटिव है आखिर क्या कोई मास्टरमाइंड कोई और है या किसी के इशारे पे इस तरह की पूरी चीजों को क्रिएट किया गया जो पूरा हंगामा जो सुरक्षा में चूक हुआ है
वो मेन जानने की कोशिश करी। सबसे बड़ी बात ये कि अब फोन को पुलिस जब रिकवर करेगी, रिकवर करने के बाद उसके तमाम जो डाटा है उसको पुलिस एग्जामिन करना चाह रही है, जिससे कि क्लियर हो सके कि सर फोन में किस तरह की चीजें हैं, कैसे बात हो रही है, किस तरीके से और भी कुछ हैंडलर्स हैं जो यहाँ पर दिल्ली में है जो इससे जुड़े हुए थे, या दिल्ली से सटे गुरुग्राम जहाँ पे मिट्टी हुई, क्या वहाँ पे कुछ और लोग भी थे जिनको इन सारी चीजें पता थी, किस तरीके से एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, पूरा जो क्योंकि ललित झा जिस जो इसका अभी तक मास्टरमाइंड बात बताया जा रहा है, उसने ही 13 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था। 13 दिसंबर का दिन मुकर्रर क्यों किया गया, जिस तरीके से 2001 में और 13 दिसंबर में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, या उसी को लेकर कुछ ऐसा मोटिव था, तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब जानने की कोशिश कर रही है। और इसी से जुड़े मामले में तमाम आरोपी के उनके करीबियों से, उनके दोस्तों से, और खासतौर से उनका जिन लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट होता था उन लोगों से अब सेल पूछताछ कर रही कि इससे जो पूरा एक मोटिव है वो क्लियर हो सके। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।